रिया ऑन द डे ऑफ द डेथ हैड नो रिलेशनशिप व्हाट्सएवर विद सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत मामले में लंबे इंतजार के बाद सुशांत केस को सीबीआई को सौंप दिया गया है। अब जिसके बाद मुंबई पहुंची सीबीआई की टीम एक्शन में आते हुए हर एक सबूत को इकट्ठा कर रही है ताकि मामले की सारी सच्चाई सामने आ सके। अब इस बीच सुशांत सिंह राजपूत के पारिवारिक वकील ने रिया चक्रवर्ती पर सवाल उठाते हुए उन्हें घेरने की कोशिश की है। दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कुछ तस्वीरों और वीडियो के हवाले से कुछ चैनलों ने दावा किया है कि 15 जून को जब सुशांत का पोस्टमार्टम हो रहा था तब रिया भी उस रूम में थी और सबूतों को मिटाने की कोशिशें कर रही थी, जिसे लेकर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी रिया पर आरोप लगाया था। और अब सुशांत सिंह राजपूत के पारिवारिक वकील ने रिया के वहां जाने पर सवाल खड़े किए हैं, उन्हें वहां जाने की अनुमति किसने दी। तो आइए सुनते हैं सुशांत के पारिवारिक वकील विकास सिंह का पूरा बयान। रिया गोइंग टू द मॉर्चुरी इज वेरी वेरी सस्पिशियस बिकॉज रिया ऑन द डे ऑफ द डेथ हैड नो रिलेशनशिप व्हाट्सएवर विद सुशांत सिंह राजपूत। She was not even in the living relationship. Living relationship also in India is not considered to be that legal status that a wife will have. But even that living relationship had ceased. So after that, in what capacity she was allowed to meet and go and see the body of Sushant Singh Rajput, and I believe she was taken from the back door. Even that some police people must have assisted her in doing that. And I believe what she went and said there, I'm sorry. And without showing any matter of any grief or without sobbing or without breaking down, clearly exposes her her mind that she was probably wanting to accept the blame for his death, and she had no regret for that. So it was just a very cold I am sorry kind of a statement, which reflects that she had no affection left, or probably she never had any affection for Sushant Singh Rajput. Ma'am, Ria will arrest him.